बीजेपी नेता और कर्नाटक के 2.5 दिन के सीएम रहे येदुरप्पा के इस्तीफा देने के बाद अब कांग्रेस और जेडीएस में खुशी की लहर है। येदुरप्पा के इस्तीफा देने के बाद जेडीएस के नेता एचडी कुमार स्वामी 21 मई को कर्नाटक के सीएम पद की शपथ लेने वाले थे, लेकिन अब इस तारीख में बदलाव किया गया है। खुद कुमार स्वामी ने कहा कि 21 मई को राजीव गांधी ने देश के लिए बलिदान किया था, इसीलिए इस दिन शपथ ग्रहण समारोह नहीं किया जा सकता। किसी के बलिदान पर हम खुशी नहीं मना सकते, और अगर इस दिन शपथ समारोह का आयोजन किया भी जाए तो भी कांग्रेस इसमें शामिल नहीं हो पाएगी। वहीं आपको बता दें कि कुमार स्वामी ने सभी क्षेत्रीय पार्टियों को शपथ समारोह में आने का न्योता दिया है। कुमार स्वामी के शपथ ग्रहण करने के बाद कांग्रेस इस बात पर मंथन करेगी कि कुमार स्वामी के नेतृत्व वाली सरकार में कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी। इसके लिए नेता अशोक गहलोत और गुलाम नबी आजाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ चर्चा करेंगे, जिसमें यह भी फैसला होगा कि कुमार स्वामी की सरकार में कांग्रेस के कुल कितने मंत्री होंगे। NMF न्यूज की रिपोर्ट।